बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी सामा जुल्फिकार। वेलकम टू माय चैनल सामा जुल्फिकार ब्यूटी एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमे के पराठे। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। एक प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, दो टमाटर लिए हैं, चार हरी मिर्चें और एक टुकड़ा जो है वो अदरक का है और कुछ जो है मैंने लहसुन लिए, ठीक है। और मसालों में जो है वो है एक चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच जो है वो मैं लिया है चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक ऐड होता है, इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने नमक जो है वो थोड़ा सा ही डालना है। और उसके साथ साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कीमा। कीमा जो था वो फ्रीज़र का था, इसलिए मैंने उसे पहले ही जो है कढ़ाई में डाल दिया है ताकि वो अपने ही पानी में पक जाए। और जल्दी से प्याज काटती हूँ, टमाटर काटती हूँ और लहसुन अदरक को पीस कर शामिल करती हूँ कीमे में। उसके साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर दूँगी और हरी मिर्च जब कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब मैं उसमें ऐड करूँगी। और आटा जो है वो मैंने गूंद के रखा हुआ है, पेड़े में बना लूँगी तकरीबन 8, क्योंकि मुझे 4 पराठे बनाने हैं। सो जल्दी से मैं ये सब्ज़ी काट कर ऐड करती हूँ कीमे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट जो है वो रेडी हैं, अब हमें इन्हें कीमे में ऐड कर देंगे। और ऑयल जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पून ही डालना है, क्योंकि जो गोश्त का नेचुरल ऑयल होता है वो इनफ होता है कीमा पराठे के लिए। बिकॉज हमें पराठे जो फ्राई करने हैं वो भी ऑयल में ही फ्राई करने हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है फिर वो ऑयली हो जाएगा पराठा, तो खाया नहीं जाएगा। इसलिए जो हमें अंदर का जो इसका जो इसकी फिलिंग है कीमे की, यानी कि वो हमें ड्राई ही रखनी है। एक चम्मच ऑयल जो है वो इनफ होगा कीमे के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ लहसुन अदरक कुटी हुई, प्याज और टमाटर और उसके साथ साथ मैंने ऐड कर दिए हैं जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे। उन्हें मिक्स करने के बाद जो है, अच्छी तरह इन्हें मिक्स करने के बाद जो है वो मैं इन्हें दम पर ही पकने दूंगी, क्योंकि कीमा मशीन का होता है तो बहुत जल्दी पक जाता है और साथ में ये टमाटर प्याज जो है ये भी गल जाएंगे। सो मैं इसे कवर कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8 पेड़े बना दिए हैं। एज़ यूजल जो हम रोटी के लिए बनाते हैं नॉर्मली पेड़ा, उससे ये छोटा सा है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा उससे मैंने कम रखा है, छोटा रखा है, यानी कि तो ये है कि ये सफ़ेद आटा है। जो भी आप आटा यूज़ करते हैं आटे को इशू नहीं है, आप उससे जो है पराठे बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इनको बेलती हूँ और कीमा फिल करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कीमा जो है वो रेडी हो चुका है और सारी चीज़ों को आपने गलाना नहीं है। प्याज थोड़ी साबुत इसमें अच्छी लगती है। अब मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और मैं इनकी जो फिलिंग है पेड़े बेलकर उसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बेल लिया है और दूसरा भी जो है वो मैं बेल चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो मैं डालूँगी कीमे की फिलिंग और ऊपर दूसरा जो बेला हुआ पेड़ा है वो डालकर और थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर कर मैं फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कीमा मैंने जो है वो डाल दिया है पेड़े के ऊपर। अब ये दूसरा पेड़ा है, इसके ऊपर मैं इसे डाल देती हूँ और अच्छी तरह से प्रेस करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। एक हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है तो मुझे मुश्किल हो रही है। में ऑयल गरम है, पराठे को हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे फ्राई करते हैं। पराठे को मैंने दूसरी साइड पर पलट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा रेडी है। आराम से आप इसे पलट दें
और ये पराठा जो है हमारा रेडी हो गया है, मैं उसे उतारती हूँ और प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड ये है कीमा पराठा की फाइनल प्रेजेंटेशन। इसके साथ जो है मैंने अचार रखा, थोड़ा सा केचप बच्चे खाएंगे और पुदीने का रायता जो है वो मैं खाऊंगी, मुझे पसंद है। और सुहेमा के पापा ने जो है वो चाय के साथ खा लिया, उन्हें चाय के साथ पसंद है। तो आपको कैसे लगा? माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। अल्लाह मेरी बेगम को हमेशा खुश रखे, इसी तरह प्यारे प्यारे खाने बनाती रहे। प्यारा लगा, टेस्टी भी तो था, प्यारा तो है ही। वही टेस्टी भी था, प्यारा भी था। अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह प्यारे प्यारे खाने मुझे खिलाती रहो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म होने वाली है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन मैंने ऑफ़ किया है वॉइस की वजह से, तो इंदर में आपको पता है कि मक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।